हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सबसे सिंपल और मिनिमलिस्टिक स्किन केयर रूटीन। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और लड़का लड़की दोनों इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस आपके दिन से अराउंड 5 to 7 minutes ही निकालना है। तो इवन द लेजिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कैन डू दिस वेरी ईजिली। तो आपको इसको दो बार करना है दिन में, एक सुबह उठते ही और दूसरा आपके सोने से पहले। लेकिन इसके लिए सुबह उठते ही आपको चाहिए सबसे पहले एक क्लेंज़र। यहाँ मैंने लिया है सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंज़र। मेरी त्वचा ड्राई है तो मेरे लिए ये बहुत अमेजिंगली सूट करता है। तो बस मैं सबसे पहले ये क्लेंज़र ले लेती हूँ और क्लेंज़र से मैं बस अपने स्किन पे लगा देती हूँ। आप जब मॉर्निंग क्लेंस करते हैं या इवनिंग क्लेंस करते हैं, हमेशा याद रखें कि आप जब क्लेंस करते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस आप आपके नोज़ और आपके फोरहेड को दें, क्योंकि यही वो पार्ट्स है जो सबसे ज़्यादा ऑयली होते हैं। इवन नॉर्मल ड्राई स्किन वालों के लिए भी कॉम्बिनेशन स्किन, ये टी जोन है जो काफ़ी ऑयली रहता है। और उसके बाद आता है आपका रेस्ट ऑफ द फेस। तो बस आप प्रॉपरली इसको मसाज कर लें अपनी स्किन में। नेक को ना भूलें क्योंकि नेक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और बस इसके बाद आप इसको पानी से धो सकते हैं। तो बस अब मैं अपना चेहरा प्रॉपरली धो लूँगी। तो चले इसके साथ हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। तो सेकंड स्टेप में आपको लेना है टोनर। यहाँ पे मैंने गुलाब जल ये स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे मैं जनरली फ्रिज में रखती हूँ। सो जब मैं इसे अपने फेस पे यूज़ करती हूँ तो बहुत ही ठंडी और अमेजिंग फीलिंग आती है। और बस और मैं ऐसे अपने चेहरे पे इसको स्प्रे कर देती हूँ। और नॉर्मली मैं अराउंड 5 minutes देती हूँ ताकि ये अच्छे से मेरी स्किन में सोक इन हो जाए। तो बस 5 minutes हो गए हैं और इसके बाद एज द लास्ट स्टेप हम यूज़ करेंगे एक मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी ब्रांड का ले लें। मॉनसून्स के लिए मुझे स्पेसिफिकली ये क्लीन एंड क्लियर का स्पेशली डे टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और बस ये आप ले लें और बस अच्छे से आपके फेस में इसको मसाज कर लें। डोंट फॉरगेट योर नेक। आपकी नेक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक स्पेशली इम्पॉर्टेंट होती है आप अगर 25 प्लस क्रॉस कर देते हैं, तो मेक श्योर आप नेक को इग्नोर ना करें, क्योंकि आपकी फेस और आपकी नेक की जो एजिंग प्रोसेस है वो एक जैसी होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी आप देखेंगे कोई लोगों में ऐसे दिखता है कि उनका फेस जो है वो प्रॉपर है एकदम, लेकिन आपकी नेक जो है वो थोड़ी व्रिंकली हो जाती है। तो वो हमें अवॉइड करना है, इसीलिए आपका फेस और आपका नेक दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बस ये ही है आपका स्किन केयर रूटीन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको 5-7 minutes से तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं लगेंगे। बस इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली क्लेंस करें, उसके बाद टोनर यूज़ करें और उसके बाद मॉइस्चराइज करें। अगर ये 3 steps भी आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं ना, मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो आपके लिए काफ़ी है। आपको लंबे चौड़े स्किन केयर रूटीन की ज़रूरत नहीं है, ये भी इनफ होता है। लेकिन ये एटलीस्ट आप रोज़ करें। आप कोई भी
फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टोनर यूज़ कर ले, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर ले, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट मेक श्योर कि आप सुबह और शाम दोनों बार ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि अगर आप ये 3 स्टेप्स दिन में कर लें तो आपके स्किन के हेल्थ के मेंटेनेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो होपफुली आपको ये मेरा सिंपल मिनिमलिस्टिक स्किन केयर रूटीन का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसको लेके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।